अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एसन महमूद एंड वेलकम टू जायोंस। अभी तक इस कोर्स में हमने रिएक्ट नेटिव को देखा है कि रिएक्ट नेटिव क्या है। हमने रिएक्ट नेटिव सीएलआई के साथ प्रोजेक्ट को सेटअप किया है, एक्सपो सीएलआई के साथ प्रोजेक्ट को सेटअप किया है, एक नाइट सीएलआई के साथ प्रोजेक्ट को सेटअप किया और एक द कोडिंग मशीन रिएक्ट नेटिव बॉयलर प्लेट उसके साथ रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट को सेटअप किया है। हमने उन सब के कोडिंग स्ट्रक्चर को देखा है, फोल्डर्स को गो थ्रू किया, उसके अलावा हमने बेसिक रिएक्ट नेटिव को स्टडी किया है और हमने रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करके चला के देखा है कि वो एट द एंड हॉट रीलोड कैसे काम करता है और ये सारी चीजें। आज की वीडियो में हम इग्नाइट का जो लास्ट वीडियो में हमने बॉयलर प्लेट के साथ प्रोजेक्ट को सेटअप किया था उस पर कंटिन्यू करेंगे और अपने टूडो ऐप की जो स्टार्टिंग यूआई है उसको सेटअप करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट को ओपन कर लूंगा और इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लूंगा, बाकियों को क्लोज कर दूंगा ताकि हमारे लिए इजी हो। रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट यूजिंग इग्नाइट सीएलआई और इसको सिर्फ ओपन कर लूंगा एक कोड एडिटर में। यहाँ से मैं इसको एक्सपेंड कर लूंगा और साथ ही मैं ये कन्फर्म कर लूंगा कि ये गिट के साथ इनिशियलाइज है। गिट के साथ इनिशियलाइज नहीं है, गिट इनिट कर लूंगा और अपनी ब्रांच सेटअप कर लूंगा गिट चेकआउट डैश बी वी वन। ओके, और सिर्फ इसको सेटअप कर लूंगा ताकि बेसिकली हमारे पास गिट का सारा रिकॉर्ड रहे और मैं इसको बाद में गिट में पुश करके आपके साथ शेयर भी कर दूंगा अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ताकि आपके लिए फॉलो करना आसान रहे। स्टार्टिंग कमेंट, और मैं ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि आपने बेसिकली शेयर करना हो ना करना हो, कुछ भी काम है, आपने कोई काम स्टार्ट किया है तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप गिट के साथ उसको इनिशियलाइज करा के रेपो के साथ बैकअप करें। आपके कोड का बैकअप होना चाहिए, आप उसके साथ बाद में कुछ करते हैं या नहीं करते वो बात की बात है, लेकिन बैकअप फर्स्ट है, वो मस्ट है। ओके, स्टार्ट करते हैं और अब इसको जरा डिटेल से देखते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या काम कैसे हो रहा है। मैं यहाँ पर साथ में ही इसको रन भी कर लूंगा और उसके बाद हम इसके बेसिकली गोइंग थ्रू स्टार्ट करेंगे। तो रन करने के लिए हमारे पास कमांड है, वेब पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, आईओएस पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आईओएस पे स्टार्ट करूंगा, उसके लिए npm run ios और बेसिकली मैं वेब पे भी देखना चाह रहा हूँ ताकि हम वेब और आईओएस इन दोनों को देख रहे होंगे और ये पहले ही कहीं पर चल रहा है तो मैं ये कन्फर्म कर लूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा और क्लोज क्लोज इसको क्लोज करूंगा और एक दफा फिर रन कर दूंगा। यहाँ पे वापस आके बाकी कमांडों को देखेंगे, कंपाइल की कमांड हम बाद में देखेंगे, फॉर्मेट की कमांड सिर्फ हमारी कोड को फॉर्मेट करेगी, लिंट की कमांड ईएस लिंट करेगी, पैच को बाद में देखेंगे कि पैच क्या करता है, टेस्ट की कमांड बेसिकली टेस्ट को रन करेगी, ये वॉच उसका बेसिकली कंटिन्यूस रनिंग में रखेगी, ये दूसरा जो टेस्ट इंजन है उसके साथ इसको रन करेगी, एबीडी बेसिकली इसको हम बाद में देखेंगे ये क्या कर रहा है, पोस्ट इंस्टॉल ये पैच कर रहा है कि इंस्टॉल होने के बाद इसको पैच पैकेज कर रहा है, जो कि पैच पैकेज की कमांड क्या कर रही है, पैच पैकेज ये एक पैकेज है जिसको रन कर रही है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे। बंडल विजुअलाइज ये भी हम कमांड्स को जब हम जरा एक्सपर्ट हो जाएंगे तब हम उनको स्टडी करेंगे। मेन हमारे पास जो कमांड थी अभी वो स्टार्ट की थी और मैंने डायरेक्ट आईओएस को रन कर दिया, लेकिन हमारे पास ये स्टार्ट की कमांड है, ये ज्यादा जरूरी कमांड है, तो देखते हैं ये क्या कर रहा है। ओके, इसने क्या कहा, सबसे पहले मैं npm run स्टार्ट करूंगा और फिर आप इसको समझने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, इसने क्या किया, रन हुआ उसने बेसिकली, ओके किसी और विंडो में नहीं चल रहा, ठीक है चलें इसको देखते हैं ये चलता है कि नहीं, आई मैं दबाता हूँ और देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं। ओके, ये क्या कह रहा है, कमांड एरर नो डेवलपमेंट बिल्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट इज इंस्टॉल्ड, प्लीज मेक श्योर मेक एंड इंस्टॉल आवर डेवलपमेंट बिल्ड ऑन द डिवाइस फर्स्ट। ओके चलें इसको डीबग करते हैं, कि इसको डीबग करने का डीबगिंग का जो प्रोसेस होता है ना वो बेसिकली डेवलपमेंट के साइड बाय साइड चलता है, अगर आप किसी भी टाइम पे आके डीबगिंग के प्रोसेस को नहीं करते सही तरह तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। ओके,
create a development build. Development build can be created using this. The following is a word you can use instruction. ओके मैं इसको बेसिकली इस कमांड को रन करता हूँ और देखते हैं फिर होता क्या। ओके इसमें आगे इसको क्लोज करता हूँ, इस कमांड को रन करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। तब तक नेक्स्ट स्टडी करते हैं, नेक्स्ट क्या हो रहा है। ओके मैंने iOS सिमुलेटर के लिए बनाना है, वो मुझे बता रहा है ये करो और उसके बाद इसको रन करो, देखते हैं। ये जैसे ही है बेसिकली रन हो जाती है, उसके बाद फिर मैं ये काम करता हूँ। ये जो भी पैच किया कोई पैकेज है उसका कोई काम होगा जो वो कर रहा है, जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हम ये कमांड को रन करेंगे, देखते हैं। हमने अभी सिर्फ सिमुलेटर के लिए बनाना है तो इस वजह से ये कमांड रन करने की जरूरत नहीं है हमें, वो बाद में देखेंगे। सिर्फ सिमुलेटर के लिए बनाएंगे और इसको रन कर लेंगे। यहाँ पे एंटर करता हूँ ताकि ये अगर स्टक हो गया तो कंटिन्यू कर सके। ये जैसे ही कंप्लीट होता है फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये कमांड यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब मैं नेक्स्ट कमांड रन करूंगा जो कि बेसिकली उसके लिए थी, और मैं npx के साथ इसको रन कर दूंगा क्योंकि ये मैंने लोकली इंस्टॉल नहीं किया हुआ। इस तरह की कोई भी कमांड आपको नहीं मिलती, मतलब ये कोई पैकेज था जो लोकली इसको नहीं मिला और इस वजह से याद रहा। ओके ये कह रहा है कुड नॉट डिटरमाइन एग्जीक्यूटेबल टू रन। ओके मैं एक चीज ट्राई करूंगा, यहाँ पे ये कमांड अवेलेबल है नहीं, ये कमांड अवेलेबल नहीं है। ओके ओके मैं इस कमांड को रन करूंगा, यहाँ पे ये कमांड अवेलेबल है, लेट्स सी npm run, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बनी हुई है npm run की। ओके तो मैं नेक्स्ट ये यूज किया करूंगा npm r और ये। ओके ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि es not found। ओके मैंने क्या किया अभी तक, ये थोड़ा सा अपडेट हुआ है लेकिन सिर्फ यही हुआ है, ठीक है चलें कोई मसला नहीं। अभी के लिए पहले npm स्टार्ट करते हैं, इसको बेसिकली मैं खुद डीबग करके तो आपको इसका डायरेक्ट सोल्यूशन बता दूंगा कि ओके इसका सोल्यूशन क्या है, और मैं डीबगिंग प्रोसेस को रिकॉर्ड भी कर दूंगा। लेकिन अभी वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं w दबाता हूँ वेब में स्टार्ट करने के लिए, और थैंकफुली ये वेब में एटलीस्ट चल रहा है अभी। बॉयलर टेम्पलेट्स का ऑब्वियसली इस तरह थोड़े इश्यूज होते हैं, नो डाउट वो आपको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट टाइम से बचाते भी हैं, लेकिन जब इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत डीबगिंग टाइम देना पड़ता है, लेकिन वर्थ होती है उसकी क्योंकि आपको इन द एंड काफी ज्यादा रिसोर्सेज और चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वेब में है बिल्कुल सही चल रहा है जैसे कि इसको चलना चाहिए, ऑन ऑफ दिस दैट सारी चीजें अच्छे से चल रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये काफी वर्थ है। और ये देखें साइड रोल नेविगेशन इन्होंने ऐड की हुई है, और भी बहुत कुछ ऐड किया हुआ, और यहाँ पे कुछ काफी ज्यादा एक्सप्लेन भी करके दिखाया हुआ, और टैब नेविगेशन भी ऐड की हुई है, तो ये काफी कुछ हम देख सकते हैं। सेंड वी ये कुछ होगा, ओके इससे कुछ हो रहा होगा। ओके ये बेसिकली एक डेस्कटॉप ऐप है रिएक्ट नेटिव ऐप को डीबग करने के लिए, तो ये आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं और चाहें तो ना भी करें तो कोई इतना इशू नहीं है। ये बेसिकली डीबगिंग प्रोसेस के लिए यूज होती है। मैं इसको डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ, होपफुली बाय द एंड ऑफ द वीडियो ये डाउनलोड हो जाएगी और तब हम इसको एक दफा देख लेंगे कि क्या ये क्या चीज है। इसका सोर्स कोड डाउनलोड कर लेते हैं और दैट्स इट। ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो डॉट एक्सपो है ये बेसिकली एक्सपो का कहें कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर है, इसमें आपको काम करने की मोस्ट प्रोबेबल 99% चांसेस होंगे कि आप इसमें कभी भी काम नहीं करेंगे। कोई स्पेसिफिक सिनेरियो होंगे जिसमें कि आपको इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कोई स्पेसिफिक सिनेरियोज होंगे जिसमें कि आपको कभी इसमें चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये डॉट बेसिकली ये उस पैकेज का नाम है, टेस्टिंग पैकेज है। वंस अगेन ये बेसिकली इसका कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर है और 99% चांसेस आप इसमें काम नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट फोल्डर है हमारे पास एंड्रॉयड का, ये बेसिकली फोल्डर है जिसमें कि हम जब अपनी एंड्रॉयड की ऐप को कंपाइल करेंगे, मतलब जो हमने अपना कोड सारा रिएक्ट नेटिव का इस फोल्डर में लिखा है कंपाइल करेंगे, तो उसको वो कंपाइल करके जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको कंपाइल करके एंड्रॉयड के कोड में कन्वर्ट करके इसमें रख देगा। इस फोल्डर में
90% चांसेस, नॉट 99%, लेकिन 90% चांसेस आप इसमें काम नहीं कर रहे हो। इसमें हम काम कर रहे होंगे जब हमें एंड्रॉयड ऐप की जो परमिशंस हैं उनको सेटअप, जैसे कि ऐप मैनिफेस्ट में कोई परमिशन सेटअप करनी पड़ेगी, या फिर अपने जो ऐप का आइकॉन है या स्प्लैश स्क्रीन है उसको सेटअप करना पड़ेगा, या फिर कोई भी नेटिव एंड्रॉयड का प्लगइन वगैरह कोई ब्रिज लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं। जो कॉमन चांसेस हैं वो बेसिकली ये है, मैनिफेस्ट फाइल, बिल्ड वर्जन, ETC, इन चीजों को, ये बहुत कॉमन है। तो इसमें हम मोस्ट 10% जब हम डिप्लॉयमेंट के फेज में होंगे तब हम इसमें काम कर रहे होंगे, परमिशंस प्रॉपर ऐड कर रहे होंगे और वर्जन नंबर, बिल्ड नंबर वगैरह सेटअप कर रहे होंगे ETC। ये मेन फोल्डर है ऐप का, इसमें आप 99% काम कर रहे होंगे, क्योंकि बेसिकली जो भी आपने कोड लिखना है रिएक्ट नेटिव का वो इस फोल्डर में लिखना है। ओके, इस फोल्डर में हम वापस आएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है, तो इसमें वापस आते हैं। नेक्स्ट है एसेट्स का, जो भी आपने बेसिकली इमेजेस रखनी है, वीडियोस रखनी है, ETC, फॉन्ट्स वगैरह, वो इस एसेट्स के फोल्डर में जाएगा। ये आपके स्टैटिक कैलेंडर फोल्डर है, स्टैटिक कंटेंट फोल्डर। नेक्स्ट है इग्नाइट का, ये बेसिकली इग्नाइट का टेम्पलेट फोल्डर है। इग्नाइट आपको फाइल्स वगैरह जो कमांड्स प्रोवाइड करता है, तो उससे आपका कैलेंडर के कंपोनेंट बन जाता है, ये कंपोनेंट की कमांड प्रोवाइड करता है इस तरह की, क्योंकि इग्नाइट की CLI है, तो CLI को यूज करते हुए आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं और भी काम कर सकते हैं, तो ये उसके लिए टेम्पलेट्स वगैरह। नेक्स्ट iOS फोल्डर, सिमिलरली एंड्रॉयड के फोल्डर की तरह आप इसमें 10% काम कर रहे होंगे जब डिप्लॉयमेंट फेज होगा, 90% आप इसको नहीं छेड़ेंगे। इसमें भी आप परमिशन iOS ऐप के लिए और पोर्ट्स वगैरह और वर्जन वगैरह को कंट्रोल करने होंगे, इसमें हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे, 0% काम होगा Until unless कि आपको scenario निकालने अपने लिए। Plugins, ये basically Ignite ने specify किया हुआ है, इसका अभी मुझे clear नहीं है, इसको हम देख लेंगे अगर हमारे ये कहीं पे जरूरी होगा, जैसे कि with splash screen, इसको हम most probably मेरे ख्याल से 20-30% शायद use कर रहे होंगे इन project app के folder में। Next tests, इसमें अगर तो आपने test driven development करनी है, जो कि बहुत अच्छी होती है, करनी चाहिए, उसी के साथ काम करना चाहिए, तो आप इसको एटलीस्ट 30-40% यूज कर रहे होंगे, अदरवाइज अगर आपने टेस्ट नहीं लिखने हैं तो फिर आप इसको यूज नहीं कर रहे हो। टाइप्स, ये बेसिकली सिर्फ टाइप डेफिनेशन के लिए, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 5% काम कर रहे होंगे जब कोई पैकेज को टाइप रिक्वायरमेंट होगी। पहली जो फाइल हमारे पास आई है वो डॉट गेट इग्नोर है, होपफुली आपको पता होगा ये गेट की बेसिकली जो इग्नोर सेटिंग है उसको करती है कि अच्छा ये फाइल नहीं जानी चाहिए, ये फाइल नहीं जानी चाहिए, ये फोल्डर नहीं जाना चाहिए, या ये चीजें जानी चाहिए इस तरह। डॉट MPRC, ये बेसिकली npm की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें जब हमें कोई ज़रूरत होगी हम कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे। डॉट गिट एक नोट बता रहा है कि इसमें गिट की स्टाइलिंग वगैरह करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर कर दो। app.config.ts, ये हमारी ऐप की कन्फिग फाइल है, इसमें हम बहुत कम काम कर रहे होंगे जब हमें कभी कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी ऐप की, लेकिन ये हमारे लिए बाई डिफॉल्ट हुई हुई है, ये भी चीज़ सेम हमारे लिए बाई डिफॉल्ट हुई हुई है। बहुत कम चांसेस होंगे जब हमने बेसिकली आइकॉन वगैरह चेंज करना होगा या कोई चीज इस तरह की आइडेंटिफायर चेंज करना होगा तब हम इसको करेंगे, ये मैंने गलती से कर दिया, इसमें प्लीज अभी चेंजेस कुछ ना करिएगा, इसमें कह लेंगे 5%, दोनों 5% है। मेन ऐप फाइल, ये बहुत कम होगी क्योंकि मेन हम जो अपना सारा कोड है इसमें लिख रहे होंगे, हम इस फाइल को नहीं छेड़ा करेंगे। इस फाइल का सिर्फ इतना काम होगा कि ये हमारी इस फोल्डर में से जो मेन ऐप फाइल है या index.tsx फाइल है उसको इम्पोर्ट करेगी और दैट्स इट। babel.config, babel की config फाइल है। eas.dot, ये बेसिकली जो अभी हमने देखा था expo app setting, जो भी इस पैकेज का नाम था, मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा पैकेज था जो हमने अभी किया, इंस्टॉल भी किया जो अभी, expo dev client, इसकी वजह से ये इसकी कन्फिग्रेशन फाइल। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ये जस्ट हमारा टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, इसकी कन्फिग्रेशन फाइल है। मेट्रो, ये बेसिकली एक्सपो का जो रन हो रहा है प्रोजेक्ट उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। पैकेज डॉट जेसन, होपफुली आपको पता होगा ये हमारी मेन फाइल है जिसमें कि हम स्क्रिप्ट्स वगैरह, इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा होगा, हम इसमें से स्क्रिप्ट्स देख रहे होंगे, पैकेजेस इंस्टॉल अनइंस्टॉल इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर रहे होंगे, इससे हमारा कोई काम नहीं है। ये बेसिकली लॉग फाइल है, PMPM एक नॉट वर्जन में सॉरी नॉट पैकेज मैनेजर है उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। react.native.config, ये react.native ऐप की कन्फिग फाइल है, इसमें हमारा मोस्ट प्रोबेबली 5% शायद काम होगा। ये रीडमी फाइल, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप अपनी ऐप की रीडमी लिखेंगे 7% में भी। लास्टली हमारे पास TS config फाइल है जिसमें कि टाइपस्क्रिप्ट की, इसकी 5% होपफुली। ओके,
स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस फोल्डर में हमारा पूरा काम, हमारा 99% टाइम इस फोल्डर में गुजरा करेगा। ये मेन ऐप है। अभी मैं आपको ये सारा नहीं समझा सकता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जब हम जैसे स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत कोड लिखेंगे तो हमें समझ आने लग पड़ेगी ओके इसकी वजह से ये काम हो रहा है। और जो पैकेजेस होते हैं ऑब्वियसली हर एक पैकेज सिखाया नहीं जा सकता, वो पैकेज यूज करके जब कोई पैकेज यूज कर रहे होते हैं उसका बता दिया जाता है कि ओके भाई इस पैकेज की वजह से ये काम हो रहा है। अदरवाइज आप कोई स्पेसिफिक सिनेरियो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आके npm में सिर्फ React Native लिख के सर्च करूंगा तो लाख ऑलमोस्ट पैकेज आ जाएगा। तो हर एक पैकेज को स्पेसिफिक सिनेरियो होता है, उसको जब रिक्वायरमेंट हो उसकी बेस पे देखा जाता है। यहाँ पे जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो मुझे बहुत पसंद आया, वो मैं आपको समझा देता हूँ। कंपोनेंट्स बेसिकली कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो कि इटसेल्फ एक स्क्रीन नहीं है लेकिन स्क्रीन का हिस्सा है वो कंपोनेंट्स में जाएगा। कॉन्फ़िग हमारी ऐप की कॉन्फ़िग जो भी है, ये बहुत अच्छा सेटअप हुआ हुआ है, प्रोडक्शन डेव और बेस बेसिकली काफी अच्छा सेटअप है। उसके बाद डेव टूल्स, इसको अभी के लिए रहने देते हैं क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया ये इसके रिलेटिव है, ये जो हमने अभी मैंने डाउनलोड किया है होपफुली डाउनलोड हो गया होगा, ये जो डाउनलोड किया और इसको अभी चलाते हैं बाद में, ये उसके रिलेटिव है डीबगिंग पर्पसेस के लिए, ये लोकलाइजेशन के लिए है। इसमें ये लैंग्वेजेस फाइल है, उसमें लैंग्वेजेस लिखी हुई है, मतलब मैं अगर लैंग्वेज चेंज करूंगा, ये ऐप मेरे ख्याल से चल रही है अभी, तो यहाँ से देखते हैं लैंग्वेज चेंज करने का तरीका कहाँ पे है। कंपोनेंट्स में आते हैं या फिर यहाँ पे जाते हैं, अगर मुझे लैंग्वेज चेंज करने का तरीका मिल गया इसमें तो मैं आपको लैंग्वेज चेंज करके दिखाता हूँ, जिसके थ्रू आप देखेंगे कि काफी ज्यादा काम इसका चेंज हो जाएगा। ये कलर्स, स्टाइलिंग, टैक्स इन दिस दैट, स्टाइलिंग टूगल स्टेटस इज दिस, स्टाइलिंग पेरेंट बटन, स्टाइलिंग दिस दैट दैट ओके। ये वैसे काफी अच्छा है तो इस वजह से कम्युनिटी ओके, जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे जैसे ही हमें ये नजर आएगा तो हम इसको फिर देख लेंगे, अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट के साथ। ये बेसिकली हमारी लैंग्वेज वगैरह मैनेजमेंट के लिए है, लोकलाइजेशन के लिए। मॉडल्स, ये बेसिकली हमें जो टाइप्स हैं डाटा टाइप्स इंटरफेसेस उनको डिफाइन कर रहा है, बहुत अच्छा नाम है। एंटिटीज भी यूज किया जाता है, टाइप्स भी यूज किया जाता है, मॉडल्स भी बहुत अच्छा एक नाम। नेविगेटर हमारी ऐप के नेविगेशन के लिए, स्क्रीन जो कि मैंने अभी बताया जो इटसेल्फ एक स्क्रीन है, जैसे कि अगर मैं ये आता हूँ तो यहाँ पे ये जो डीबग का मेन कंपोनेंट है वो एक स्क्रीन है, लेकिन ये जो एक बेसिकली जो भी एक बटन है ये एक कंपोनेंट है, ये स्क्रीन है पूरी और ये कंपोनेंट है, तो ये फर्क है और ये बहुत अच्छी अच्छा है। सर्विसेज बेसिकली ऑब्वियसली एपीआई को हैंडलिंग के लिए, कोई भी इस तरह की काम जो थर्ड पार्टी को इंटीग्रेट कर रहा है, मैं इसमें स्लैक लगा दूं या माइक्रोसॉफ्ट टीम या स्ट्राइप या कुछ भी इस तरह, वो थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को सर्विस कहते हैं, सर्विस को इंटीग्रेशन के लिए। और एपीआई बहुत ज्यादा वंस अगेन अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम मोस्ट प्रोबेबली टेंस्टैक रिएक्ट क्वेरी को यूज कर रहे होंगे तो ये मैं चेंज करूंगा। थीम में आ जाते हैं, थीम में देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या क्या प्रोवाइड किया हुआ है। थीमिंग में शायद हम थोड़ा बहुत चेंज करें क्योंकि मुझे डार्क थीम लाइट थीम ये रिक्वायर्ड होगा तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। यूटिल्स में हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। स्टोरेज वंस अगेन काफी अच्छा है, हम लोड स्ट्रिंग, सेव स्ट्रिंग, लोड etc हमारे पास ऑप्शंस है। तो ये हमारे पास बेसिक सेटअप है। नेक्स्ट, अब हम कंटिन्यू करते हैं और फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर लूंगा और अभी के लिए क्योंकि बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा कुछ है तो अगर मैं इससे स्टार्ट करूंगा तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं इसको रीनेम कर दूंगा ओल्ड और यहाँ पर एक न्यू ऐप डॉट TSX को इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। हम ये सारा काम बाद में देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने ये काम करना है। स्क्रीन स्प्लैश इसको भी अभी के लिए मैं मिट कर दूंगा, अभी हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बेसिक सा स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करवाना और दैट्स इट। और इसको ऐप पे ले आए या फिर मैं ऐप की जगह index.ts करना चाहूंगा, मुझे वो पर्सनली ज्यादा पसंद है, उसका फायदा यह है कि मैं ऐप पे जा सकता हूँ डायरेक्ट ओके। नेक्स्ट, ये
इसकी जरूरत नहीं है, और ये यहाँ पे डन हो गया। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे एक ऐप को डिफाइन करना है, और दैट्स कॉन्स्ट। ये हम सिंपल रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट में बहुत सिमिलरिटी है, सिर्फ कंपोनेंट जो है हम डायरेक्ट एचटीएमएल यूज नहीं कर सकते, दैट्स इट। बाकी आप समझ लें जैसे आपने रिएक्ट में काम किया हुआ है वो ही रिएक्ट नेटिव है, तो ये आप बहुत इजीली इसको यूज कर लेंगे और आपके लिए बहुत आसान ही रहेगी। तो मैं यहाँ पर व्यू यूज करूंगा जो कि मुझे रिएक्ट नेटिव से मिल रहा है। ओके, ये मुझे एक और जगह से मिल रहा है लेकिन उसको अभी मैं यूज नहीं करूंगा, यहाँ से इसको यूज करूंगा। व्यू समझ लें कि आपकी डिव है, ओके, एचटीएमएल में डिव, रिएक्ट नेटिव में व्यू है। उसके बाद इसमें एचटीएमएल में आपने टेक्स्ट लिखना है वैसे ही लिख लें, रिएक्ट नेटिव में टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट का कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, फिर ही टेक्स्ट आएगा, और उसमें जो भी टेक्स्ट लिखना है लिख लें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज ऑसम, ओके, यहाँ पे इसको खत्म कर देते हैं, ये मुझे उसकी आदत पड़ी हुई है रिएक्ट, बेसिकली रिएक्ट जेएस की, ओके, और इसको एक्सपोर्ट करते हैं डिफॉल्ट ऐप। इसी के साथ इसको क्या कह रहा है रिएक्ट, ओके, रिएक्ट तो बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट करना जरूरी है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ओके, और ये टेक्स्ट नहीं इंपोर्ट हुआ हुआ, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये यहाँ से इंपोर्ट होगा, और एक दफा फिर ट्राई करते हैं कि शायद पहले वो नहीं था इम्पोर्ट, ओके, ये चल गया, मतलब ठीक है। और यहाँ पे आके देखते हैं क्योंकि मेन में है, रिफ्रेश करते हैं, मैं डीबग में नहीं जा सकता क्योंकि मैंने सारा कुछ रिमूव कर दिया, मेन पे आऊंगा और अब देखते हैं कि क्या ये एरर दे रहा है कुछ मुझे, ओके, इसको अभी के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि उस तरफ से आसानी रहे, और नेक्स्ट में अभी देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ये कह रहा है कि रिएक्ट डॉट जे एस एक्स टाइप इज इनवैलिड एक्सपेक्टेड गोट ऑब्जेक्ट, ओके, चेक योर कोड एट 9। इसकी बात कर रहा है शायद ये इसमें, अच्छा ओके, क्या कह रहा है ये इंडेक्स डॉट टी एस एक्स, मसला नहीं, एंड इम्पोर्ट कैन ओनली एंड विद, ओके, नो प्रॉब्लम। ये बेसिकली इसको मैं अभी के लिए फिर ऐप ही कह रहा हूँ, और ऐप जेएस, ओके, ये उसको बेसिकली जेएस में कन्वर्ट कर रहा है, देखते हैं टीएस एक्स दिस, ओके, और इसी के साथ तो बेसिकली कंप्लीट हो गया। अच्छा ये कुछ और कह रहा है एक्सटेंशन व्हेन इज दिस इंपोर्ट, ओके, चलें अभी के लिए इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे एक दफा देख भी लेता हूँ, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंशन को ओमिट कर सकते हैं और सिर्फ वैसे लिखते हैं, दैट्स इट। ये आ गया, रिफ्रेशिंग हो रही है, और अब अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ पे आके ऐप में एक और टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, वर्किंग फाइन सेफ, और उसी के साथ यहाँ पे रिफ्रेश हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इसमें बेसिकली कौन से हमारे पास कंपोनेंट लाइब्रेरी अवेलेबल है, अगर कोई नहीं अवेलेबल तो हम एक कंपोनेंट लाइब्रेरी को चूज करेंगे, क्योंकि इस तरह सारा कॉन्टेंट लिखना और बनाना यूआई काफी ज्यादा ट्रबलसम काम हो जाएगा, हम एक कंपोनेंट लाइब्रेरी को चूज करेंगे, उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, और एक यूआई हम अपनी टू डू ऐप की यूआई बना के उसको फाइनलाइज करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। आज की वीडियो में हमने बेसिकली इग्नाइट को के साथ प्रॉपरली अपना जो जर्नी है कोडिंग जर्नी उसको स्टार्ट कर लिया है, रिएक्ट नेटिव इग्नाइट सीएलआई के साथ उसके प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट वीडियो में अब हम एक इसको फर्दर लेके चलेंगे, और इसमें देखेंगे कि ये अगर कोई कंपोनेंट लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो वो कौन सी है, अगर ये कोई भी कंपोनेंट लाइब्रेरी नहीं यूज कर रहे तो हम एक कंपोनेंट लाइब्रेरी को चूज करेंगे, और उसके साथ फिर हम अपनी जो बेसिक सी एक यूआई, तो और उसके साथ हम अपनी टू डू ऐप की यूआई को फाइनलाइज करेंगे। जैसे ही हमारी टू डू ऐप की यूआई फाइनलाइज हो जाएगी फिर हम उसकी फंक्शनैलिटी की तरफ मूव ऑन करेंगे। वंस अगेन इस कोर्स को अपने उन फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें जो रिएक्ट नेटिव को सीखना चाह रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।